हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ मैंने रेडी किया है आइसक्रीम डिज़र्ट, तो आप इसको देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी कुकिंग रिक्वायर्ड नहीं है, आपने जस्ट कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो 5 मिनट आइसक्रीम डिज़र्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक शीशे का लेना है बाउल। तो इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी केक। तो केक आप कोई भी ले सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एक डिज़र्ट है अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं। तो अगर आप जस्ट आइसक्रीम जो है वो सर्व नहीं करना चाहते, उससे थोड़ा सा डेकोरेट करके सर्व करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें कोई भी कुकिंग आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपने जस्ट चीज़ें जो है उनको असेंबल करना है, सेट करना है, और बहुत मज़े का डिज़र्ट रेडी होता है इंशाल्लाह। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। तो केक ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है आइसक्रीम। तो मेरे पास ये चॉकलेट आइसक्रीम है, तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने स्कूप जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो आइसक्रीम मैंने ऐड कर दी है, अब मैं दोबारा इसमें ऐड करूंगी केक इसके साइड्स पे। अब हमने इसमें ऐड करने हैं वेफर्स। तो वेफर्स भी आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं मार्केट से, कोई भी आपको पसंद हो। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स में जो डिज़र्ट्स वगैरह आइसक्रीम डिज़र्ट्स सर्व करते हैं, तो वो ऐसी ही चीज़ें जो हैं अंदर लगा के देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का लगता है। तो इसको आप इसमें रख दीजिए ऐसे। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से आइसक्रीम रखूंगी, और फिर हमने जस्ट इसमें ऐड करनी है लास्ट चीज़, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आपने क्या ऐड करना है। तो आइसक्रीम मैंने इसमें दोबारा ऐड कर दी है, अब आपने इसमें ऐड करने हैं बिस्किट। तो बिस्किट हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करने हैं, आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने इस रेसिपी में इस वीडियो में यूज़ की हैं आप अपनी मर्ज़ी की यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर बिस्किट, आप खुद देख सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है। तो आइसक्रीम को सिंपल सर्व करने से बेहतर है कि आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड कीजिए और इसको इस तरह से सर्व कीजिए, और इसमें कोई कुकिंग रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने कोई चीज़ बनानी है। तो ये देखें कितना मज़े का ये डिज़र्ट रेडी हुआ है, और ये खाने में भी इतना ही लजीज है जितना आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को, इस डिज़र्ट को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।